आ जाओ। क्या बाबा कैसे हैं? सारे भाई बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार फिल्म। आप लोग बताइए कैसा लगा आपको? बढ़िया, सारे नंबर, फुल मार्क्स, बहुत बढ़िया। मैंने जो रेगुलर भोजपुरी बनती है उससे ऊपर है कि मैंने उसाई काफी अलग है, स्टोरी लाइन वाइज भी काफी अच्छी है और लोकेशन वाइज और शूट वाइज एक्टिंग वाइज काफी बढ़िया फिल्म है। सारी सारी क्वालिटीज बहुत अच्छी है खेसारी भाई। आपने पूरी पिक्चर देखी, आपको कैसी लगी खेसारी भाई? लगा जो मेहनत किया था उसका फल है? हमने तो काम किया है और ऐसे एक्टर मुझे तो हर फिल्म में मेरी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत लगा है और मुझे खुद को देख के अच्छा लग रहा है कि हमारी भोजपुरी में ऐसी भी फिल्में बनती हैं। और आज रोशन सर को और हिमांशु सर को और इस टीम रंगदे बसंती की टीम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको दिल से थैंक यू कि उन लोगों ने हमें सहन किया और हम कोशिश किए हैं बेहतर करने के। केसरी जी, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं लोगों की तरफ से किरदार को लेके? हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट रोल में है, एक आर्मी ऑफिसर का भी किरदार है, भाई लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पांस है? अभी तो आज मेरा समझिए प्रीमियर था, रिलीज तो 7 तारीख से हो रही है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लोगों का मिलेगा कि आप वहाँ के लोगों से पूछिएगा तो ये बताएंगे ज़्यादा करके, क्योंकि जो भी है सब फिल्म ही है और फिल्म को समझते हैं, कहानी समझते हैं, साउंड समझते हैं, गाने समझते हैं, राइटिंग से लेकर फोटोग्राफी तक सबके सब अनुभवी लोग हैं, ये ज़्यादा बताएंगे कि बाकी भोजपुरी से कितना हटके सिनेमा। खेसारे जी, आप फौज में जाना चाहते थे और एक फौजी किरदार में किस तरह जो करेक्टर किए हैं उस सपने आपने बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली देखिए हम एक एज ए आर्टिस्ट हमारी कोशिश रहती है कि जिस किरदार हमें अपना डायरेक्टर ले जाना चाहते हैं उसको बखूबी हम निभा सकें। जब सामने कलाकार बेहतर होता है तो हमें काम करने में आसान हो जाता है और हमारी दोनों हीरोइन ये तो कुछ भी बोलती हैं तो लगता है कि हाँ यार इन पर कोई भी अगर अत्याचार होता है तो लगता है क्यों हो रहा है। जैसे मैं लास्ट में खुद ही रो रहा था कि जब इन्होंने बोला है डायलॉग कि ये हम नहीं हमारा बच्चा कंधा दे रहा है तो यहाँ से लगा कलेजा निकल गया यार। और इनका साइलेंट परफॉर्म और इधर ये तो दोनों तरफ एकदम हल्का मसा कर रखी हुई है, तो सब सामने आर्टिस्ट और सारे हमारे आर्टिस्ट जो थे सबने बहुत कॉपरेट किया और सबने अपने परफॉर्म को बेहतर किया। इनके इसकी डायना जी का पहला फिल्म है और इनका भी भोजपुरी में दोनों पहली बार आए और इतनी बड़ी मूवी भोजपुरी की सबसे बड़ी मूवी देखा जाए तो आज की डेट में कैनवास से लेकर लोकेशन से लेकर टाइमिंग से लेकर वीडियोग्राफी से लेकर हर वो चीज़ें जो है बाकायदे साउंड हम लोग सांस में लिए हैं तो भी दिखा है उसमें और इतने बड़े कैनवास पे रिलीज करना 254-55 सिनेमा क्योंकि हमारे 20 सिनेमा में सिमट जाती थी सिनेमा, लेकिन आज 254-55 मल्टीप्लेक्स से लेकर हर जगह ये जो हमारे रोशन सर का योगदान है उनका टीम का योगदान जो है उसके लिए दिल से थैंक यू सर। डायना, सवाल ये है कि पहली बार आप भोजपुरी में काम कर रही हैं, पहली बार आप खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रही हैं, कैसा अनुभव था, कैसे पाया आपने बतौर आर्टिस्ट और बतौर ह्यूमन बीइंग भी? बहुत अच्छा लगा, वेरी लकी मेरे फर्स्ट मूवी में मुझे केसरी लाल यादव मिले, बट यार वाज अमेजिंग। थैंक यू रति मैम, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी फिल्म में और आज जिन्होंने फिल्म देखी उनकी तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? अभी आप लोगों ने खेल लिया है, कॉम्प्लीमेंट्स तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं सबके लिए और वो जब मूवी मतलब जब मैंने भी देखी तो काफ़ी अच्छी लग रही है एंड मेरा एक्सपीरियंस तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई ऑलवेज फेल्ट एट होम, हमेशा ऐसे ही लगा मैं घर पे ही हूँ और क्योंकि हमारी भाषा सेम है और मेरी पहली मूवी थोड़ी डिफिकल्टी तो आई थी क्योंकि मैं यूज टू थी डिफिकल्टी आई थी, बट आई लव दिस चैलेंज क्योंकि चैलेंजेस होते हैं तो ही इंसान अच्छा करता है, ग्रो करता है एंड फॉर्चुनेटली मुझे इतनी अच्छी सब्जेक्ट मिली, इतना अच्छा टीम और स्पेशली शुरुआत देखिए किससे हो रहे हैं, तो अगर राइट साइड में खेसारी जी हो तो डायना
तो तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा बोला है ना, ये हमने आज गलत साबित कर दिया कि तीन बिगाड़ा काम नहीं। केसारी जी, आपने डायना को उठा लिया था, कितनी वजन थी? ये डायना बहुत हल्की है, कपड़े अच्छे पहन लेती है। डायना 65 के जी, खेसारी भाई सबसे मुश्किल पार्ट पूरी फिल्म की शूट के दौरान काफी एक्शन दिखा, कई आपके लुक्स जो है वो अलग अलग दिखे, सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इसे शूट के दौरान? हर चीज मुश्किल, रीजन ये था कि लोकेशन से लेकर ठंडी से लेकर गर्मी से लेकर और कॉस्ट्यूम, और मुझे 5-5 किरदार निभाना पड़ता था, तो वहाँ पे मुझे डिफरेंट करना है कि मुझे बेटा भी बनना है, बाप भी बनना है, दादा भी बनना है, किसी का पति भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ, सारी चीज़ों को मुझे माइनस कर, मेरा हर सीन डिफिकल्ट था मेरे लिए। और आसान कुछ होता नहीं है बाबा, आपको भी पता है, अगर आसान हो तो फिर वो कोई काम नहीं, आसान चीज़ें मुझे भी नहीं करना है। सबने बहुत कॉपरेट किया, मुझे तो शुरू में अब इनसे तो मैं घुल मिल गया था, क्योंकि हमारी भाषा से है, इनको देखने के बाद डर लगता था कि यार इतनी सुंदर लड़की को छूंगा इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। इनसे ज़्यादा घुल मिल गए तो मेरा डायना का यहाँ पे आए कि हमारी गोपालगंज से, हमारे बिहार से है, तो इनसे कोई ज़्यादा डर नहीं होता था, क्योंकि ये हिंदी से आई हैं, घायल टू में इन्होंने काम किया है, बहुत सारे हिंदी में इन्होंने काम किया है। तो एक होता है ना आवरा एक आदमी का, और उसमें भी भगवान ने फुर्सते में बनाया है, तो खूबसूरती भी है, तो खूबसूरती से कौन नहीं डरता, मैं भी डरा, बट ये यहाँ की बहुत अच्छी इंसान है, कहना राजा है। भोजपुरी के दर्शक आप कैसे लेंगे, भोजपुरी में कुछ बोलना चाहेंगे? भोजपुरी ऑडियंस को लेकर कुछ कहना चाहती हैं? आपने भोजपुरी फिल्में देखी थी इससे पहले? मैंने कुछ भी नहीं देखा था। केसारी लाल को जानती हैं आप? एक अच्छे से जानती हूं, पहले मैं नहीं जानती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम ना, तो इट वाज समथिंग रियली वेरी प्रोफेशनल, वेरी हम्बल, मेरा इतना टेक केयर किया है इन्होंने कि पूछो मत, सीन से लेके गानों से लेके मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था लाइंस वगैरह याद करना, बट इन्होंने मुझे बिठा के लाइंस याद करवाया है ना, आई ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल। डायना, खेसारी लाल के अलावा भोजपुरी में किसी और आर्टिस्ट को पहचानते हो आप, किसी का नाम जानते हो? ओनली खेसारी लाल। इंटरव्यू ले रहे वो जाने नहीं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस इंटरव्यू कर रहा है, जानते हो ओनली खेसारी लाल याद। अरे बाबा, ये मुझे जानते, पूरी दुनिया जानते, अब इसको जानने की जरूरत क्या है? खेसारी पूरी दुनिया है, पूरी भोजपुरी है, क्या मतलब है, कैसा सवाल करते हैं? अब आप बताइए खेसारी जी के अलावा कोई क्वेश्चन है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सबने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में देखी है, इनके मेरा भी देखा होगा, आप लोगों को कैसा लगा इसे? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आजकल खेसारी लाल का मूछ वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, फौजी वाला किरदार बहुत शानदार। मुझे ऐसा लगा कि भोजपुरी में मैं पहले डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भोजपुरी में देखने की आदत ही अलग हो गई, कि अचानक से कुछ गाना आएगा, तड़का भड़का आएगा, कुछ कॉमेडी आएगा, कुछ पटांग बातें आएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना कम्प्लीटली मुझे लगा कि मैं अपने माँ के साथ भी बैठ कर इस सिनेमा को बाकायदे इंजॉय कर सकता हूँ, अपने बहन के साथ कर सकता हूँ, अपने बेटी के साथ, और मेरी बेटी बैठी भी थी, जिनके की मेरी बेटी भी थी। इस फिल्म के लिए कितना वजन घटाए हैं और कितना बढ़ाए हैं? कौन? आपने? डायना ने, मैंने। क्या तैयारी की खेसारी भाई इस फिल्म को करने के लिए, क्या तैयारी की फिल्म के लिए? विदाउट तैयारी मैं कुछ करता नहीं, मुझे बाप के किरदार के लिए मुझे सारी चीजें डल करना पड़ता था, बाप के किरदार के लिए जब रोल होता था तो मैं 2 दिन सोता नहीं, ताकि मेरी आंखें कम से कम हंसी हुई नजर आए, काले नजर आए, और जब बेटा का किरदार होता था तो खूब दम भर सो के 2 घंटे जिम कर गया था, तो दिक्कत तो है, और उस रोल के आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, और ज़्यादा करके हम दोनों को करना पड़ा, क्योंकि तो इनका भी सेम ही था, उनका था कि बहू है ये बेटे के साथ थी बेचारी, लेकिन लास्ट में इसने एक डायलॉग बोल कर पूरी दुनिया जीत ली, ये मैं नहीं, ये हमारा बच्चा धंधा दे रहा है, वहाँ पर मेरी कलेजा फट गया, और उसके बाद में खेसारी भाई ये लास्ट में ऋषभ भी नजर आ रहा है, फिल्म जितनी शानदार बनी है उसकी एंडिंग भी लगता है कि 2 भी कंटिन्यूड जैसा दिख रहा है, पार्ट 2 ऐसी फिल्म का नहीं बनना चाहिए? अरे तो गद्दर 20 साल बाद आई ना, 20 साल बाद तो ऋषभ रेडी हो ही जाएगा, बट उसकी अपनी चॉइस है, वो बनना क्या चाहता है,
मेरा कोई दबाव अपने बच्चे पे नहीं होता, ना बेटी पे ना बेटा पे। उनकी अपनी च्वाइस है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। जैसे मेरे ऊपर मेरे पापा का कोई दबाव नहीं रहा, मैंने अपने जीवन की रास्ता खुद ही चुना, उसी तरह मैं अपने बच्चों पे भी कोई दबाव नहीं देता। उनकी अपनी लाइफ है, उनको जैसे जीना होगा उस हिसाब से। जी खेसारी भाई, आप तो फौजी बने हैं इसमें और बाकायदा आप पर वर्दी बहुत अच्छी लग रही है। इससे पहले भी आपने बहुत सारे फौजी और पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे किरदार किए हुए हैं। एक डिमांड है बहुत ज़्यादा जो कि लगातार उठती रहती है, यादव रेजिमेंट के लेकर, आहिर रेजिमेंट को लेकर बहुत सारी डिमांड है। खेसारी लाल यादव इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं? बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अहिर रेजिमेंट अगर कोई बनाएगा भी तो रोशन सर ही बनाएंगे सर, क्यों? बहुत बिग बजट की फिल्म होगी, कम से कम वो 10 करोड़ की फिल्म होगी। लेकिन अगर लोगों ने इस सिनेमा को बहुत भर भर के प्यार दे दिया, जिस हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की है बेहतर सिनेमा के लिए, अगर लोगों ने भी इसको बेहतर कर दिया तो अगला टारगेट जो होगा वो अहिर रेजिमेंट ही होगा। जी खेसारी भाई, सरकार जो है चुनाव हो गए हैं, आप पवन सिंह के लिए प्रचार करने गए थे, पवन सिंह हार गए हैं, इस पर आपकी क्या रिएक्शन है? इस जिंदगी में एक बात पता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मतलब वो बाजीगर हो गए हैं। हारे नहीं, पवन सिंह जीत है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सबकी पहली फिल्म सिल्वर जुबली हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है। आदमी कहीं ना कहीं सीखता है, तो एक रास्ता उन्होंने अपने जीवन से हट के दूसरे रास्ते में गए, तो वहाँ पे उस रास्ते के बारे में उनको पता नहीं, उसके बावजूद भी लोगों ने काराकाट की जनता ने फोन दिया को इतना प्यार दिया, ये कम नहीं है। कोई निर्दलीय आदमी 275,000 वोट लाए, ये खेला नहीं है। और लोगों के बीच में जो आदमी एसी में रहता है, वो पूरे दिन लोग धूप में मर रहा है, लोगों से मिल रहा है, ये अनुभव उनको कहीं ना कहीं और बड़ा बनाएगा। और रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि इस बार के चुनाव के बाद एकदम दी एंड हो गया, इसके बाद चुनावें नहीं होगा। अगली बार मेरा भाई आएगा तो शेर की तरह दहाड़ के जीतेगा। आपके दो भाई जीत चुके हैं, रवि जी और मनोज जी, दोनों भाइयों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, और वो जल्दी से मंत्री बने और बिहार को विशेष दर्जा का, विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और बिहार में थोड़ा सा कुछ रोजगार दिलाए, ताकि हम जो खटक रहे हैं इधर उधर वो रोजगार, और सिनेमा हॉल थिएटर को बढ़वाइए। आप लोग छोड़ के चले गए, हमें फंसा गए। कम से कम थिएटर बढ़ाइए, सिनेमा हॉल बढ़ाइए, ताकि लोगों का रोजगार बढ़े। तो मैं दोनों भाइयों से यही अपील करूँगा कि आप लोग प्लीज इस पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। अब आपको प्रतिक्रिया पूछना है तो आप लोगों से, हमसे नहीं। खेसारी भाई, रंग दे बसंती के लिए ऑडियंस को, ऑडियंस को क्या कह के जाएंगे? आ जाओ। क्या बाबा कैसे हैं? सारे भाई बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार फिल्म। आप लोग बताइए कैसा लगा आपको? बढ़िया, सारे नंबर, फुल मार्क्स, बहुत बढ़िया। मैंने जो रेगुलर भोजपुरी बनती है उससे ऊपर है कि मैंने उसाई काफी अलग है, स्टोरी लाइन वाइज भी काफी अच्छी है, और लोकेशन वाइज और शूट वाइज एक्टिंग वाइज काफी बढ़िया फिल्म है, सारी क्वालिटीज बहुत अच्छी है। खेसारी भाई, आपने पूरी पिक्चर देखी, आपको कैसी लगी? खेसारी भाई, लगा जो मेहनत किया था उसका फल है? हमने तो काम किया है, और ऐसे एक्टर मुझे तो हर फिल्म में मेरी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत लगा है, और मुझे खुद को देख के अच्छा लग रहा है कि हमारी भोजपुरी में ऐसी भी फिल्में बनती है। आज रोशन सर को और मानसू सर को और इस टीम रंगदे बसंती की टीम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको दिल से थैंक यू कि उन लोगों ने हमें सहन किया और हम कोशिश किए हैं बेहतर करने के। केसरी जी, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं लोगों की तरफ से किरदार को लेके? हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट रोल में है, एक आर्मी ऑफिसर का भी किरदार निभाया, लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स है? अभी तो आज मेरा समझिए प्रीमियर था, रिलीज तो 7 तारीख से हो रही है, उसके बाद कम्प्लीमेंट लोगों का मिलेगा कि आप यहाँ के लोगों से पूछिएगा तो ये बताएंगे ज़्यादा करके, क्योंकि जो भी है सब फिल्मी है और फिल्म को समझते हैं, कहानी समझते हैं, साउंड समझते हैं, गाने समझते हैं, राइटिंग से लेकर फोटोग्राफी तक सबके सब अनुभवी लोग हैं, ये ज़्यादा बताएंगे कि बाकी बचपन से कितना हटके इस फिल्म। खेसारी जी, आप फौज में जाना चाहते थे और एक फौजी किरदार में किस तरह जो करेक्टर किए हैं कुछ सपने आपने बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली देखिए, हम एक एज ए आर्टिस्ट हमारी कोशिश रहती है कि जिस किरदार हमें अपना डायरेक्टर ले जाना चाहते हैं उसको बखूबी हम निभा सकें। जब सामने कलाकार बेहतर होता है तो हमें काम करने में आसान हो जाता है, और हमारी दोनों हीरोइन
ये तो कुछ भी बोलती हैं तो लगता है कि हाँ यार इन पे कोई भी अगर अत्याचार होता है तो लगता है क्यों हो रहा है। जैसे मैं लास्ट में खुद ही रो रहा था कि जब इन्होंने बोला है डायलॉग कि ये हम नहीं हमारा बच्चा कंधा दे रहा है तो यहाँ से लगा कलेजा निकल गया यार। और इनका साइलेंट परफॉर्म और इधर ये तो दोनों तरफ एकदम हल्का मसा के रखी हुई है। तो जब सामने आर्टिस्ट और सारे हमारे आर्टिस्ट जो थे सब ने बहुत कॉम्पीट किया और सब ने अपने परफॉर्म को बेहतर किया। इनके इसकी डायना जी का पहला फिल्म है और इनका भी भोजपुरी में दोनों पहली बार आए और इतनी बड़ी मूवी भोजपुरी की सबसे बड़ी मूवी देखा जाए तो आज की डेट में कैनवास से लेकर लोकेशन से लेकर टाइमिंग से लेकर वीडियोग्राफी से लेकर हर वो चीज़ें जो है बकायदे साउंड हम लोग सांस में लिए हैं तो भी दिखा है उसमें। और इतने बड़े कैनवास पे रिलीज करना आज 254-55 सिनेमा क्योंकि हमारे 20 सिनेमा में सिमट जाती थी सिनेमा लेकिन आज 254-55 मल्टीप्लेक्स से लेकर हर जगह ये जो हमारे रोशन सर का योगदान है उनका टीम का योगदान जो है डायना सवाल ये है कि पहली बार आप भोजपुरी में काम कर रही हैं, पहली बार आप खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रही हैं, कैसा अनुभव था, कैसे पाया आपने बतौर आर्टिस्ट और बतौर ह्यूमन बीइंग भी? तो बहुत अच्छा लगा, वेरी लकी। मेरे फर्स्ट मूवी में मुझे केसारी लाल यादव मिले, बट यार वो अमेजिंग। थैंक यू रति मैम। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी फिल्म में और आज जिन्होंने फिल्म देखी उनकी तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? अभी आप लोगों ने घेर लिया है, कॉम्प्लीमेंट्स तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं सबके लिए। ऑल ओवर द मूवी मतलब जब मैंने भी देखी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड मेरा एक्सपीरियंस तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई ऑलवेज फेल दैट मूवी, हमेशा ऐसे ही लगा मैं घर पे ही हूँ। और क्योंकि हमारी भाषा सेम है, मेरी पहली मूवी थोड़ी डिफिकल्टी तो आई थी क्योंकि मैं यूज टू थी डिफिकल्टी आई थी, बट आई लव दिस चैलेंज क्योंकि चैलेंजेस होते हैं तो ही इंसान अच्छा करता है, ग्रो करता है। एंड फॉर्चुनेटली मुझे इतनी अच्छी सब्जेक्ट मिली, इतना अच्छा टीम और स्पेशली शुरुआत देखिए किससे हो रहे हैं, तो अगर राइट साइड में खेसारी जी हो तो तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा बोल रहे हैं, ये हमने आज गलत साबित कर दिया कि तीन बिगाड़ा काम नहीं। खेसारी जी आपने डायना को उठा लिया था, कितनी वजन थी? ये डायना बहुत हल्की है, कपड़े ऐसे पहन लेती है। डायना 65 के जी खेसारी भाई, सबसे खेसारी भाई सबसे मुश्किल पार्ट पूरी फिल्म की शूट के दौरान काफी एक्शन दिखा, कई आपके लुक्स जो है वो अलग अलग दिखे, सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इसे शूट के दौरान? हर चीज मुश्किल रीजन ये था कि लोकेशन से लेकर ठंडी से लेकर गर्मी से लेकर और कॉस्ट्यूम और मुझे 5-5 किरदार निभाना पड़ता था, तो वहाँ पे मुझे डिफरेंट करना है कि मुझे बेटा भी बनना है, बाप भी बनना है, दादा भी बनना है, किसी का पति भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ, ये सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करनी, मेरा हर सीन डिफिकल्ट था मेरे लिए। और आसान कुछ होता नहीं है बाबा, आपको भी पता है, अगर आसान हो तो फिर वो कोई काम नहीं, आसान चीज़ें मुझे भी नहीं करना है। सबने बहुत कॉपरेट किया, मुझे तो शुरू में अब इनसे तो मैं घुल मिल गया था क्योंकि हमारी भाषा से है, इनको देखने के बाद डर लगता था कि यार इतनी सुंदर लड़की को छूंगा इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, उल्टा बोल रहे इनसे ज्यादा घुल मिल गए। तो मेरा डायना का यहाँ पे आए कि हमारे गोपालगंज से हमारे बिहार से है तो इनसे कोई ज़्यादा डर नहीं होता था क्योंकि ये हिंदी सैंग है, घायल टू में इन्होंने काम किया है, बहुत सारे हिंदी में इन्होंने काम किया है। तो एक होता है ना आवरा एक आदमी का और उसमें भी भगवान ने फुर्सते में बनाया ही तो खूबसूरती भी है, तो खूबसूरती से कौन नहीं डरता, मैं भी डरा, बट ये यहाँ की बहुत अच्छी इंसान है ना, भोजपुरी राजा है। भोजपुरी के दर्शक आपको कैसे लगे, कुछ बता देंगे भोजपुरी में, कुछ बोलना चाहेंगे भोजपुरी ऑडियंस को लेकर, कुछ कहना चाहती हैं? आपने भोजपुरी फिल्में देखी थी इससे पहले? खेसारी लाल को जानती हैं आप? अच्छे से जानती हूँ, पहले मैं नहीं जानती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम ना तो इट वाज समथिंग रियली वेरी प्रोफेशनल, वेरी हम मेरा इतना टेक केयर किया है दोनों की पूछो मत, सीन्स
बार इन्होंने मुझे बिठा के लाइन्स याद करवाया है ना, आई ऑलवेज गिव वेरी ग्रेटफुल। डायना, खेसारी लाल के अलावा भोजपुरी में किसी और आर्टिस्ट को पहचानते हो आप, किसी का नाम जानते हो? ओनली खेसारी लाल। अरे बाबा, ये मुझे जान गए, पूरी दुनिया जान गई, अब इसको जानने की जरूरत क्या है? खेसारी पूरी दुनिया है, पूरी भोजपुरी है, क्या मतलब है? कैसा सवाल करते हैं? अब आप बताइए, खेसारी जी के अलावा कोई बचा है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सबने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में देखी है, इनके सिनेमा भी देखा होगा, आप लोगों को कैसा लगा इसे? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आजकल खेसारी लाल का मोच वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मौजू वाला किरदार बहुत शानदार। मुझे ऐसा लगा कि मैंने भोजपुरी में, मैं पहले डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भोजपुरी में देखने की आदत ही अलग हो गई, कि अचानक से कुछ गाना आएगा, तड़का भड़का आएगा, कुछ कॉमेडी आएगा, कुछ पटांग बातें आएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना कम्प्लीटली मुझे लगा कि मैं अपने माँ के साथ भी बैठ कर इस सिनेमा को बकायदे इंजॉय कर सकता हूँ, अपने बहन के साथ कर सकता हूँ, अपने बेटी के साथ, और मेरी बेटी बैठी भी थी, जिनके इसकी मेरी बेटी भी थी। इस फिल्म के लिए कितना वजन घटाए हैं और कितना बढ़ाए हैं? कौन? आपने? डायना ने, मैंने। क्या तैयारी की खेसारी भाई इस फिल्म को करने के लिए? क्या तैयारी की फिल्म के लिए? विदाउट तैयारी मैं कुछ करता नहीं, मुझे बाप के किरदार के लिए मुझे सारी चीजें डल करना पड़ता था, बाप के किरदार के लिए जब रोल होता था तो मैं दो दिन सोता नहीं, ताकि मेरी आंखें कम से कम हंसी हुई नजर आए, काले नजर आए, और जब बेटा का किरदार होता था तो खूब दमभर सो के दो घंटे जिम कर जाता, तो दिक्कत तो है, और उस रोल के आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, और ज़्यादा करके हम दोनों को करना पड़ा, क्योंकि इनका भी सेम ही था, उनका था कि बहू है, ये बेटे के साथ थी बेचारी, लेकिन लास्ट में इसने एक डायलॉग बोलकर पूरी दुनिया जीत ली, ये मैं नहीं, ये हमारा बच्चा दिख रहा है। पार्ट टू ऐसी फिल्म का नहीं बनना चाहिए? अरे तो गदर टू 20 साल बाद आई ना, 20 साल बाद तो रिसेप्ट रेडी हो ही जाएगा, 20 साल बाद तो रिसेप्ट रेडी हो ही जाएगा, बट उसकी अपनी चॉइस है वो बनना क्या चाहता है, मेरा कोई दबाव अपने बच्चे पे नहीं होता, ना बेटी पे ना बेटा पे, उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, जैसे मेरे ऊपर मेरे पापा का कोई दबाव नहीं रहा, मैंने अपने जीवन की रास्ता खुद ही चुना, उसी तरह मैं अपने बच्चों पे भी कोई दबाव नहीं देता, उनकी अपनी लाइफ है, उनको जैसे जीना होगा उस हिसाब से। जी खेसारी भाई, आप तो फौजी बने हैं इसमें, और बाकायदा आप पर वर्दी बहुत अच्छी लग रही है, इससे पहले भी आपने बहुत सारे फौजी और पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे किरदार किए हुए हैं, एक डिमांड है बहुत ज़्यादा जो कि लगातार उठती रहती है, यादव रेजिमेंट को लेकर, आहिर रेजिमेंट को लेकर बहुत सारी डिमांड है, खेसारी लाल यादव इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं? बहुत, हाँ बिल्कुल, आहिर रेजिमेंट अगर कोई बनाएगा भी तो रोशन सर ही बनाएंगे सर, क्यों, बहुत बिग बजट की फिल्म, कम से कम 10 करोड़ की फिल्म होगी, लेकिन अगर लोगों ने इस सिनेमा को बहुत भर भर के प्यार दे दिया, जिस हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की है बेहतर सिनेमा के लिए, अगर लोगों ने भी इसको बेहतर कर दिया तो अगला टारगेट जो होगा वो अहिर रेजिमेंट ही होगा। जी खेसारी भाई, सरकार जो है चुनाव हो गए हैं, आप पवन सिंह के लिए प्रचार करने गए थे, पवन सिंह हार गए हैं, इस पर आपकी क्या रिएक्शन है? इस जिंदगी में एक बात पता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मतलब बाजीगर हो गए हैं, हारे नहीं, पवन सिंह जीत है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सबकी पहली फिल्म सिल्वर जुबली हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है, आदमी कहीं ना कहीं सीखता है, तो एक रास्ता उन्होंने अपने जीवन से हट के दूसरे रास्ते में गए, तो वहाँ पर उस रास्ते के बारे में उनको पता नहीं, उसके बावजूद भी लोगों ने करा करके जनता ने मोहन भैया को इतना प्यार दिया, ये कम नहीं है, कोई निर्दलीय आदमी 275,000 वोट लाए, ये खेला नहीं है, और लोगों के बीच में जो आदमी एसी में रहता है वो पूरे दिन लोग धूप में मर रहा है, लोगों से मिल रहा है, ये अनुभव उनको कहीं ना कहीं और बड़ा बनाएगा, और रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि इस बार के चुनाव के बाद एकदम दी एंड हो गया, इसके बाद चुनावे नहीं होगा, अगली बार मेरा भाई आएगा तो शेर की तरह दहाड़ के जीतेगा। आपके दो भाई जीत चुके हैं, रवि जी और मनोज जी, दोनों भाइयों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, और वो जल्दी से मंत्री बने और बिहार को विशेष दर्जा का, विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और बिहार में थोड़ा सा कुछ रोजगार दिलाए, ताकि हम जो खटक रहे हैं इधर उधर, वो रोजगार और सिनेमा हॉल थिएटर को बढ़वाइए,
आप लोग छोड़ के चले गए, हमें फंसा गए। कम से कम थिएटर बढ़ाइए, सिनेमा हॉल बढ़ाइए, ताकि लोगों का रोजगार बढ़े। तो मैं दोनों भाइयों से यही अपील करूंगा कि आप लोग प्लीज इस पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच। अब आपको प्रतिक्रिया पूछना है तो आप लोगों से, हमसे नहीं। केसरी भाई, रंग दे बसंती के लिए ऑडियंस को, ऑडियंस को क्या कह के जाएंगे? हाँ।